2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो एज सच स्पोर्ट्स को जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया उसका एक प्रणाम वहाँ पर भी हुआ। स्पोर्ट्स केवल कोई एक विधा नहीं है, वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में बड़ा सहायक होता है। तो खेल खेल के नाते भी और खेल जीवन शैली के नाते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा ओलंपिक में या पैरालंपिक्स में जो रिकॉर्ड बेहतर हुआ है उसका कारण ये है कि 2014 के पश्चात से इंडिविजुअली भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है और सारा जो तंत्र भी उसको भी विकसित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी जो कि मेरठ से लोकसभा के सदस्य हैं। आज हम उनसे बात करने वाले हैं शिक्षा के साथ साथ खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं वास्तव में यहाँ 15th इंटरनेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट समिट में आया हूँ। मैं एसोचैम के द्वारा आयोजित, तो मैं एसोचैम का इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के सामान्यतः एजुकेशन से जुड़े हुए विषय इंडस्ट्री के लोगों द्वारा लिए नहीं जाते हैं। हालांकि एजुकेशन या नॉलेज ये इंडस्ट्री के लिए हमेशा बहुत उपयोगी है, और कभी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी ब्रिटिश अंग्रेजों ने भी किया या किसी अन्य देश के अंदर भी उद्योग धंधे बढ़े या कुछ और चीज़ बढ़ी तो नॉलेज के आधार पर बढ़ी, और आजकल तो नॉलेज को ही वेल्थ माना भी जाता है। तो इसलिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, ये समिट का आयोजन एसोचैम ने किया है। और आपने जैसे स्पोर्ट्स की बात कही, तो स्पोर्ट्स केवल कोई एक विधा नहीं है, वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में बड़ा सहायक होता है। उसकी जो क्षमताएं हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन है या उनका सिंथेसाइजेशन है, उसमें खेल की बड़ी भारी भूमिका है। वो व्यक्ति को अनुशासित भी करता है, व्यक्ति को नियमित भी करता है, और व्यक्ति की अपनी जो पूरी क्षमताएं हैं उनको प्रकट करने में बहुत सहायक होता है। तो खेल खेल के नाते भी और खेल जीवन शैली के नाते भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत अधिक प्रश्रय भी इसलिए दिया है, प्रमोट भी बहुत अधिक किया है। हम देखते हैं कि खेलों के से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हों, चाहे वो खिलाने से संबंधित हों, चाहे वो खेल सुविधाओं से संबंधित हों, सभी पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दिया गया है। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि खेल को हम किस तरह से खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं, या खेल में किस तरह की नई चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं, इस पे आपकी तरफ से क्या कार्य किया जा रहा है? नहीं, मैं इंडिविजुअली सांसद के नाते तो मैं अपने क्षेत्र के अंदर जो भी गतिविधि होती है उनको उनके साथ जुड़ करके उनके प्रमोशन में अपनी भूमिका निभाता हूँ। यदि हम देखें तो जैसा मैंने कहा अभी कि खेल के लिए खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम था, धीरे धीरे वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए खेल यूनिवर्सिटी मणिपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, प्रदेशों के अंदर भी यूनिवर्सिटीज बनी है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरठ से आता हूँ, मेरठ के अंदर भी एक प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनी है। तो जहाँ खेल विश्वविद्यालय हों, खेल का जो बुनियादी ढांचा है, हमारे जो स्टेडियम्स हैं उसके अंदर सुविधाएँ ज़्यादा हों, विभिन्न जो हमारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उनकी सुविधाएँ हों, और इसके साथ ही खेल खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी को अच्छे अवसर मिले उसके प्रशिक्षण की भी, उसके प्रमोशन की भी, उसके प्रेजेंटेशन की भी, तो उसमें से उसको एक उसको बढ़ावा मिलता है और लोग देख करके खुद भी प्रेरित होते हैं। अब जो हमारा ओलंपिक में या पैरालंपिक्स में जो रिकॉर्ड बेहतर हुआ है उसका कारण ये है कि 2014 के पश्चात से इंडिविजुअली भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है और सारा जो तंत्र भी उसको भी विकसित किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता है। जी हाँ, और एक चीज़ और है सर कि हमारे देश में क्या है कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा स्तर पर लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, उसके मुकाबले बाकी खेलों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आपको लगता है कि बाकी खेलों के लिए भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें भी इतनी ही इम्पोर्टेंस मिले, या वही चीज़ हमें बाकी खेलों में भी देखने को मिले? नहीं, देखिए क्रिकेट ने तो अपना एक मार्केट क्रिएट कर लिया है, जबकि वो पूरी दुनिया में लोकप्रिय नहीं है, कुछ देशों तक ही है, परंतु जिस प्रकार से उसको उसकी प्रस्तुति होती है और जिस प्रकार से सारे उसके आयोजन होते हैं उसमें उसकी लोकप्रियता तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि देखा जाए तो चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, अभी मैं देख रहा था कि फुटबॉल के मैसी जो है वो सर्वाधिक कमाने वाले खिलाड़ी इस बार घोषित किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का ही केवल राज हो। ऑफकोर्स क्रिकेट खासतौर से हिंदुस्तान में बहुत अधिक दिखाई देता है, IPL है इत्यादि वगैरह चल रहा है IPL, परंतु और भी जो स्पोर्ट्स हैं हमारे उनको भी अच्छा वो है। हॉकी में की तुम्हारे में तो हमारी बादशाह बहुत समय तक रही है, अब फिर धीरे धीरे हम कोशिश करें, हमारी वीमन हॉकी या जो है पुरुषों की हॉकी ने अच्छा इस बार कोशिश की है। तो कोशिश करने से भी चीज़ें होती हैं, और मैं समझता हूँ कि ठीक है क्रिकेट अपनी जगह रहेगा,
परंतु और जो चीज़ इंडिविजुअल भी जो स्पोर्ट्स हैं, जो आर्चरी हो, चाहे वो शूटिंग हो, या जैसे भाला फेंक है, हमारा पहला जो एथलीट का स्वर्ण पदक उसके अंदर आया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि निरंतर कोशिश करने से और निरंतर उनको संरक्षण और प्रोत्साहन देने से इन सब चीज़ों के अंदर हम यश प्राप्त करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि महिला आईपीएल की शुरुआत की बातें हो रही हैं, अभी चर्चाएं आ रही है कि अगले साल से महिला आईपीएल शुरू होगा, तो आपको क्या लगता है इसको लेकर, आपका क्या कहना? जरूर हो सकता है, क्योंकि आईपीएल का ऐसा नशा है कि हम देख रहे हैं कि लोग देखते रहते हैं कि सीएसके का क्या हुआ, मुंबई का क्या हुआ और आरआर का क्या हुआ, तो इस बार बड़े दुखी हैं लोग कि एमआई भी गई और जो है सीएसके भी गया, मज़ा भी आ रहा है लोगों को। तो ये जो इंटरेस्ट है इसमें तो कोई शक नहीं कि इंटरेस्ट तो है, उसके अंदर जो एक क्रिकेट का एक स्टाइल है 20 ओवर के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें आनंद बहुत लोगों को आता है, तो वुमेन आईपीएल जरूर हो सकता है। उम्मीद है पूरी कि वुमेन आईपीएल शुरू हो, जैसा कि आपने भी बात की कि क्रिकेट जो है आप भी काफ़ी पसंद करते हैं लगता है आपकी बातचीत से। नहीं, हाँ है ही, स्पोर्ट्स लविंग पर्सन कोई भी होगा तो वो किसी स्पोर्ट को केवल इस वजह से पसंद नापसंद नहीं करेगा कि वो कोई खास स्पोर्ट है। भाई मुझको जैसे क्रिकेट पसंद है, मुझे टेनिस बहुत पसंद है, मुझे बैडमिंटन या हॉकी या जो है वॉलीबॉल या फुटबॉल बहुत पसंद है, तो लेकिन ऑफ कोर्स क्रिकेट का ज़्यादा ही प्रचलन हिंदुस्तान के अंदर है। और देखिए मैं मेरठ से आता हूँ, मेरठ जो स्पोर्ट्स सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी इन द सेंस कि वहाँ पर स्पोर्ट्स गुड का उत्पादन भी होता है और सर्वाधिक जो क्रिकेट के जो उपकरण मेरठ के अंदर ही बनते हैं, हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बल्लों से खेलते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि मेरा क्रिकेट के प्रति ज़रा ज़्यादा प्यार हो। तो मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, बहुत वो अपने दम पर ही एक प्रकार से अब तक खड़ी हुई थी, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं कोई अकेले दल विशेष का सांसद हूँ इसलिए नहीं कह रहा, इस बात को कह रहा हूँ मैं, लेकिन 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो एज सच स्पोर्ट्स को जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया उसका एक प्रणाम वहाँ पर भी हुआ, और दूसरे 2017 में जब योगी जी आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएँ हैं, बिजली की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर, जो है जो इंडस्ट्रियल हब बनने की जो क्षमता है, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाते स्पोर्ट्स को उन्होंने प्रमोट किया, फिर खेल विश्वविद्यालय आया, तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर एक प्रोत्साहन मिला है और मेरठ की जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेल नगरी के रूप में हुई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।